नमस्कार, एमएचएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट, स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को लेकर देश भर में जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर इस आवाज को दबाने की कोशिश भी हो रही है। हाल यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों की शिकायत पर पुलिस गौर तक नहीं कर रही। गुरुग्राम में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां देश की महिला कबड्डी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री के साथ साथ द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित सुनील डबास को केवल इसलिए कार से कुचलने की कोशिश की गई क्योंकि वो गलत जगह पर मलबा डालने का यानी गंदगी डालने का विरोध कर रही थी। हद तो उस वक्त हो गई जब सुनील डबास ने आरोपियों की पहचान पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने स्वच्छता अभियान का समर्थन करने वाली इस जाबाज खिलाड़ी का की बात तक नहीं सुनी, उसकी फरियाद तक नहीं सुनी। प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ बनाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को जोड़कर देश को स्वच्छ बनाने की मुहिम चल रही है। और सरकार के इस अभियान में देश के कई सेलिब्रिटी के साथ साथ कई खिलाड़ी भी जुड़कर देश को स्वच्छ बनाने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन गुड़गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे स्वच्छ भारत अभियान को बड़ा झटका लगा है। गुरुग्राम में गंदगी को रोकना कबड्डी की एक पूर्व खिलाड़ी को भारी पड़ गया। पद्मश्री और द्रोणाचार्य जैसे अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। ये पूरा वाकया महिला कबड्डी टीम की कोच सुनील डबास से जुड़ा हुआ है। सुनील डबास गुरुग्राम में कृषि ज्ञान केंद्र में सरकारी आवास में रहती हैं। उनके सरकारी आवास के पास काफी खाली जमीन पड़ी हुई है। उनके सरकारी आवास के पास ही 8 मंजिला जस्टिस टावर बन रहा है। इस टावर के बेसमेंट के लिए खुदाई का काम चल रहा है और यहां से जो मिट्टी निकल रही है उसको विभाग के अधिकारी अवैध तरीके से सुनील डबास के सरकारी आवास के पास डाल रहे हैं। बुधवार की रात को सुनील डबास टहलने के लिए निकली तो उन्होंने मिट्टी से भरे डंपर को आता देख गेट बंद कर दिया, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने गेट को तुड़वा दिया और कबड्डी कोच पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सुनील डबास के मुताबिक उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद वो गहरे सदमे में है। कुछ तोड़ने फोड़ने की आवाज हो रही थी, मैं बाहर निकली तो वहां पे जो हमारा कॉलोनी का मेन गेट है उस गेट को तोड़ रहे थे कुछ लोग। तो मैंने उनको बोला भी तो ये सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, तुम कैसे तोड़ रहे हो, किस भी आप पे तोड़ रहे हो ये। तो उसने वो गाड़ी तो डंपर तो साइड में हटाया और एक पंजाब के नंबर की गाड़ी पीछे से, कुछ प्लांट थे वहाँ पीछे से आई और 100 के स्पीड से उसने सीधी हमारे उसमें गेट में घुसा दी। मैं थोड़ा साइड में होगी उस गेट से, तो जब गेट से साइड में हुई तो मैंने सोचा कोई ऐसे आम जनता आने जाने वाली होगी, लेकिन उसने जब वो गाड़ी मैं जहां मुड़ी मेरी तरफ टर्न कर दी तो मैं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंतर से जब मुझे लगा ना कि ये तो मेरी तरफ ही टर्न हो रही है, मैं वहां से जंप कर गई। पजामा वगैरह भी फट गया जो मैंने पहने हुए थे, कपड़े भी फट गए। फिर मैंने वहां से उसने फिर बैक करी है गाड़ी और 100 की स्पीड से उसने फिर मेरी तरफ गाड़ी दौड़ाई है। फिर मैं जो मिनी सचिवालय का वो जो दीवार है वहां पे पेड़ थे दो, मैं पेड़ के पीछे छुपी हूँ। फिर वहां से उसने पकड़ो इसको डालो गाड़ी में, फिर मैं वहां से फिर भागी हूँ तो उसने इतने फिर मेरे पीछे गाड़ी लगाई है। वहां से मैंने फिर मिनी सचिवालय के वहां पे डिवाइडर है, मैं उस डिवाइडर पे चढ़ी हूँ और वहां से उसने फिर गाड़ी मोड़ के वहां से मेरे ऊपर लगाई है। मैंने वहां 2 ईंटें भी उठाई हैं अपनी जान बचाने के लिए, मैंने उनकी तरफ 2 ईंटें भी फेंकी हैं कि मतलब मेरी तरफ ना आए या शीशे वीशे के कुछ लगे, लेकिन वो नहीं लगी। वहां से फिर उन्होंने कम से कम 10-12 बार उन्होंने गाड़ी को ऊपर नीचे दाएं बाएं बैक साइड और फुल स्पीड के साथ मेरे ऊपर पूरी ताकत लगा के मुझे वहां मारने की उसने फुल कोशिश करी है। सुनील डबास को करीब 15 मिनट तक गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई, जिससे बचने के लिए वो इधर से उधर दौड़ती रहीं। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिस के सामने था लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। भगवान की दया है, ऊपर वाले का शुक्र रह गया, मेरी जान बचनी थी इसलिए मेरे पास जेब में फोन था। मैंने तुरंत निकाला और मैंने 100 नंबर पर उस टाइम पर कॉल करी। 100 नंबर पे कॉल लगातार होती रही। बहुत देर में जाके उन्होंने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद भी आधा घंटा तक पुलिस नहीं आई थी। आधा घंटा तक तो वो मेरे पीछे ही लगे रहे, कभी कार यहाँ चढ़ा रहे कभी कार वहां चढ़ा रहे हैं। शुरू से ही पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में रहा है। सुनील डबास ने बताया कि जब पुलिस के आला अधिकारियों को मामला बताया गया तब कहीं जाकर उनकी शिकायत दर्ज हुई। फिर मैंने बड़े पुलिस अधिकारी को फोन करा, तब उन्होंने
एसएचओ को भेजा है, 3 बजे जाके फिर उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखी है। अभी एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है पता नहीं। मैंने पुलिस को ये बताया था कि ये आदमी है जो सामने आपके खड़ा है, जिसने गाड़ी चलाई है, मैं इसको पहचानती हूँ और उसके अंदर जो बैठा मैं उसको भी पहचानती हूँ अच्छे से। ना उस आदमी से कोई सवाल जवाब हुआ, ना उनको पूछा, ना कुछ हुआ, और उसके बाद वहां से पुलिस भी गायब हो गई। सुनील डबास ने कई बार मिट्टी डालने का विरोध किया और इसे स्वच्छ भारत अभियान के खिलाफ बताया। इसको लेकर अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई और बदस्तूर मिट्टी और मलबा डालने का सिलसिला जारी रहा। वहीं पुलिस का कहना है कि गाड़ी के नंबर उनके पास हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है। सूचना मिलते ही और हमने मेडिस्ट्री हॉस्पिटल से उनका स्टेटमेंट रिटर्न कंप्लेंट ले ली है और उसमें एफआईआर लॉज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी। सफाई को लेकर अगर देश की सम्मानित खिलाड़ी पर इस तरह का हमला होता है तो फिर कौन सफाई की मुहिम के लिए आगे आएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज, गुरुरा। गत है लगातार इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार स्वच्छता अभियान को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। शासन के लोग, प्रशासन के लोग 2 अक्टूबर के दिन फोटो खिंचवा रहे थे, हाथ में झाड़ू थी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि स्वच्छता के लिए आदमी कुछ भी कर जाए। लेकिन सवाल जो उठता है कि जो लोग स्वच्छता को लेकर आवाज उठाते हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ खुद सुनील डबास जुड़ चुकी हैं। सुनील जी, आपका MH1 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपके जज्बे की तारीफ करते हैं, किस तरह से आपने उन लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जो आपके इलाके में गंदगी फैला रहे थे। लेकिन उसके बाद बहुत तकलीफ होती है कि आप जैसे खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करती हैं, जिन्होंने न जाने कितनी बार मेडल जीते होंगे, जो नई पौध तैयार कर रही हैं, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनकी बात भी सरकार नहीं सुन रही, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा। क्या हुआ था पूरी बात बताइए, आखिरकार किस तरह से पुलिस ने आपकी बातों को नजरअंदाज किया और किस तरह से आपको जान से मारने की कोशिश की गई? ये एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं ये एरिया कृषि विभाग का है, कृषि ज्ञान केंद्र, और कृषि ज्ञान केंद्र का जो हमारा मेन गेट है उसको ये कुछ लोग तोड़ रहे थे। जो शाम को मैं मेरे फादर को वहाँ पे वॉकिंग करा रही थी, जो मेरे फादर को थोड़ा पैरालिसिस हो रखा है, तो उनकी मैं शाम को थोड़ी वॉकिंग कराती हूँ। धीरे धीरे मुझे आवाज आई कुछ तोड़ने की, तो मैं उस गेट तक गई, तो वो हमारी कॉलोनी का गेट, मेन गेट है जो स्टार्टिंग में, उसको तोड़ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि तुम ये गेट क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने गेट की ना मेरी बात सुनी, पीछे 1 मीटर पीछे कोई गाड़ी खड़ी थी, शायद वो ही उनको तोड़ने के लिए डायरेक्शन दे रहे थे। वो गाड़ी 100 की स्पीड से आई और उस गेट के अंदर घुसने लगी। मैं ये सोच के कि कोई राहगीर है, मैं साइड में थोड़ी सी एक ऊंची सी जगह थी वहां खड़ी होगी, उसने वो गाड़ी मोड़ के उसी स्पीड से मेरे ऊपर वहां मोड़ दी। मैं वहां से, मुझे लगा कि कोई ड्रिंक करके शायद उसने गलत मोड़ दी, मैं वहां से, मैंने एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर रह गया, वो मुझे कुचल जाता अगर मैं एथलीट ना होती। मैंने वहां से 7 फीट की जंप करी है, अगर मैं एथलीट ना होती तो शायद मैं वहां पे कुचली जाती और जिंदगी खत्म हो चुकी थी जी। उसके बाद उसने फिर वो गाड़ी बैक ली है, फिर मेरे ऊपर चढ़ाई है उसने। तब मुझे ये समझ में आया कि ये तो कोई ऐसा आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। मैं वहां से फिर उस गेट की तरफ से, एक साइड में संकरी से जगह थी, मैं वहां से कूद के दूसरी तरफ चली गई रोड के। मैं वहां से जब वो दूसरी तरफ गई हूँ तो फिर उसने गाड़ी अपनी बैक करके फिर मुझे रोड पे लेके आया है और मेरे पीछे फिर उसी स्पीड से गाड़ी लगाई है। फिर मैंने एक पेड़ पर मिनी सचिवालय के साथ में पेड़ के पीछे मैंने पना ली, फिर मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़, तीसरे पेड़, वहां से फिर मैं चढ़ी हूँ उस पे डिवाइडर पे, डिवाइडर से मैंने 2-3 ईंटें उखाड़ी उनको मारने के लिए। मैं अपनी सेफ्टी में, मेरे पास कुछ नहीं था, फोन मेरे हाथ में था, फोन मेरी जेब में था, मैंने उससे 100 नंबर पे फोन मिलाया, 100 नंबर पे फोन लगा के 20 मिनट तक वो मुझे यहाँ से वहां, वहां से वहां दौड़ाते रहे। आधा घंटा में वहां से पुलिस आई है। इन बिटवीन मैंने मेरे हस्बैंड को भी फोन करा है, वो भी भागे आए हैं। लेकिन 20-25 मिनट वो एक मैंने मौत का मंजर देखा है, जो मैं पल पल है ना मेरी जिंदगी, वहां पे उन्होंने कुचलने की सारी कोशिशें करी हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि टंटा खत्म कर दो नहीं तो सुबह तक ये बखेड़ा हो जाएगा, अभी टंटा खत्म करो नहीं तो सुबह तक बखेड़ा। सुनने के बाद शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है कि पद्मश्री खिलाड़ी के साथ इस तरह की हरकत होती है। पुलिस आई, सुनील जी उसके बाद क्या हुआ? पुलिस को आपने बताया कि किस व्यक्ति ने आपके साथ यह हरकत की, जान से मारने की कोशिश की, पुलिस का रवैया क्या था उसके बाद? ये भी मैं बताती हूँ कि मैंने पुलिस को वो आदमी दिखा दिया, पुलिस के राइडर पे 2 आदमी आए, मैंने जबकि
100 नंबर पे फोन करके ये कहा कि यहाँ कम से कम 15-20 बाइकर है। उन्होंने एक बाइक राइडर भेजी है, बाइक राइडर भी उस टाइम पे मैंने उनको ये बताया कि ये मैरून टी शर्ट में, प्रिंट वाली टी शर्ट में ये ड्राइवर है जिसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी है, और ये सामने गाड़ी खड़ी है, ना वो गाड़ी पकड़ी ना वो ड्राइवर पकड़ा। मुझे तजुब होता है कि पुलिस ने मेरी आंखों के सामने जब मैंने उसको, आरोपी को सामने खड़ा कर दिया, उसको गिरफ्तार करने की बजाय अभी तक ना वो गिरफ्तार हुए हैं ना अभी तक उनके ऊपर हल्की फुल्की धाराएं लगाई गई। मुझे अफसोस होता है कि पुलिस ने उनके ऊपर इतनी हल्की फुल्की रफ ड्राइविंग की धाराएं लगाई है, जो कि मुझे वो बिल्कुल जान से मार रहा था, वो मेरे ऊपर अटेम्प्ट मर्डर का था, मर्डर भी हो चुका होता अगर मैं एथलीट ना होती और मेरे अंदर उस टाइम पर पावर नहीं होती। मैंने 10 जगह जंप करा है और उसके बावजूद भी इसका ये रवैया है जो मुझे आज शायद मुझे अपना देश का वो कहते हुए शर्म आती है कि मेरी पुलिस सिक्योरिटी नहीं हो सकती, मेरे देश में व्यवस्था का खौफ नहीं है, वो लोग सामने खड़े हुए हैं और व्यवस्था से वो डर नहीं रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए, हमारे देश में बेटियों के लिए क्या, हम बेटी बचाएंगे क्या, हम बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत बड़ी बात है, दो बातें यहाँ पर आती है, एक तो इतनी बड़ी खिलाड़ी, दूसरी स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई, स्वच्छता अभियान के लिए वो रोक रही थी, तीसरी बात की वो बेटी है और उस प्रदेश में जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, एक बेटी के साथ क्या हो रहा है, ये आवाज उठाएंगे और सरकार को आपकी बात का जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ी रही है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दलवीर धनखड़ साहब, इनेलो के प्रवक्ता हैं। धनखड़ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने पूरी बात यहां पर सुनी होगी किस तरह से इंटरनेशनल खिलाड़ी कबड्डी की हैं और स्वच्छता अभियान को लेकर वो अभियान चला रही थी, रोक रही थी गंदगी मत फैलाओ, लेकिन उनको कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने दिखाने के बावजूद कि शख्स ने कुचलने की कोशिश की, पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए हैं, क्या ऐसे चलेगा स्वच्छता अभियान, क्या हरियाणा में ऐसे बचेंगी बेटियां? शरद जी धन्यवाद, आपने मौका दिया। शरद जी मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनील डबास जी एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, करोड़ अवार्डेड हैं और जिस लगन से वो सफाई अभियान में चली हुई है, मैं उनसे पर्सनल भी आज मिलके आया हूँ, जो इतनी दहशत में है, उनका परिवार, उनके पिताजी हैं जो अपाहिज हैं, मैं उनसे भी मिलके आया हूँ। रात के समय राइडर जब पुलिस के बुला लिए उन्होंने, तो वो ड्राइवर गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी, उन्होंने नंबर बताया, ड्राइवर का नाम बताया, ये आदमी बताया सामने, ये खड़े इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो उन्होंने उनको पकड़ने की बजाय, अब FIR में उनका नाम तक भी नहीं है, FIR में उन्होंने मेरे को कॉपियां दिखाई है कि FIR में कहीं भी उनका मेंशन ही नहीं किया पुलिस ने। बड़ी हैरानी होती है इस तरह की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वाली सरकार कर क्या रही है, और सरकारी आवास है वो, सरकारी जो गवर्नमेंट इंप्लाइज को जो आवास मिलते हैं, सरकार ने उनको रहने के लिए घर दिया हुआ है, उस घर के चारों तरफ माफिया कौन सा, जो गाड़ियां खड़ी करके पैसा लेते हैं कोर्ट की, मिनी सेक्रेटरी की गाड़ियां वहां खड़ी होती हैं, तो उन्होंने दीवार तोड़ के, पहले दीवारें तोड़ी कल गेट तोड़ दिया, और वहां गाड़ियां खड़ी करके पैसा उगाने का काम करती है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है। इस तरह से ये घटनाएं जो घट रही है ये अच्छी बात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बिल्कुल सही बात है, आप लोग लगातार आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बेटी हरियाणा की है, लेकिन इसके बावजूद पद्मश्री खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, खिलाड़ियों की नई पौध तैयार कर रही है, अगर इनके साथ ऐसा होता है तो कौन सुरक्षित है और किस तरह से सुरक्षित है, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। सुनील जी आपके मामले में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, आपको क्या आश्वासन दिया गया अब तक? मुझे तो पता ही नहीं, मैं सुबह तो हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं थी मैं कुछ पूछूं। मुझे अभी 2:30 बजे एक FIR की कॉपी मुझे मिली है जिसमें हल्की फुल्की 2-3 धाराएं लगा के अभी तक ना उनको शाम को अरेस्ट किया गया, ना उनको अभी तक इंटरोगेट किया गया, अभी वो पुलिस उनको ढूंढेगी देखेगी क्या करेगी। जब मैंने सामने उनको खड़ा कर दिया, बता दिया कि ये लोग हैं और ये इनकी कार है, वो तभी नहीं पकड़े गए, तो उनको भागने का मौका दे दिया। कोई आदमी किसी को मार के चला जाए या किसी को मारने के लिए उसने सारे इंतजाम किए हैं, वो कह रहे हैं कि टंटा खत्म कर दो सुबह बखेड़ा हो जाएगा, तो वो टंटा खत्म करने के लिए वहां पे आए हुए थे और उसको फिर भी नहीं पकड़ा जाता है। तो मैं तो CM साहब से सीधी गुहार लगाती हूँ कि कृपया मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली वो फैमिली है जिसने डिफेंस में हमारे देश की सेवा करी है,
मेरे फैमिली में मेरे एक दादा भी ऐसे थे जिन्होंने कारगिल ना उसमें आईएमए में स्वतंत्रता सेनानी रहे, अपनी जान गंवाई है सिंगापुर में, घर में डेड बॉडी भी नहीं आई उनकी। मेरे भाई ने कारगिल वार लड़ा, मेरे फादर ने आर्मी नौकरी करी हुई है, मेरी एक डिफेंस की फैमिली, मैं हम सारे लोग मिलकर देश की सेवा में जुटे हुए हैं। और ऐसी फैमिली को अगर देश में हमें सुरक्षा नहीं मिल पाएगी तो हम कहाँ जाएं। बिल्कुल, जिसने देश के लिए खून बहाया, जो आज देश के लिए पसीना बहा रही है, उस खानदान से ताल्लुक रखती है, लेकिन एक बेटी है हरियाणा की, इसके बावजूद अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही, तो शर्मानी चाहिए इस सरकार को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर इस बात को सुन रहे हो तो देश की बेटी आपसे गुहार लगा रही है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी आपसे गुहार लगा रही है, एक शहीद की बेटी आपसे गुहार लगा रही है, एक सैनिक की बहन आपसे गुहार लगा रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपसे गुहार लगा रही है, आपके प्रदेश की मिट्टी को रोशन करने वाले खिलाड़ी आपसे गुहार लगा रही है, क्या इसका जवाब दिया जाएगा? बच्चों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पद्मश्री खिलाड़ी को कुचलने की कोशिश, क्योंकि स्वच्छता की बात कर रही थी, बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो न्यूज में। पूरी कहानी आपको मालूम है, किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जो द्रोणाचार्य विजेता अवार्ड विजेता भी हैं, पद्मश्री भी उनको मिल चुका है, स्वच्छता की बात कर रही थी तो उनको कुचलने की कोशिश की। दुख इस बात का है कि आपकी पुलिस ने साथ नहीं दिया, सरकार साथ देगी? सरकार साथ है, सरकार क्यों साथ नहीं है? उन्होंने जो एमएलसी रिपोर्ट लगाई है उसमें कुछ इस प्रकार की चीज नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसके ऊपर गंभीरता से जो वहाँ के थाना अधिकारी है वो उसमें काम कर रहे हैं। मैं खुद इस विषय के ऊपर एसीपी साहब के साथ और विभिन्न अधिकारियों के साथ नजर बनाए हुए हूँ, और मैंने उनको खुद सुबह बात करी है पुलिस महकमे से कि इसमें जो जो संलिप्त है उनको तुरंत देखा जाए और उनको उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मलिक साहब, सुनील जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनील जी ने साफ साफ बताया कि उनको कुचलने की कोशिश हुई है। सुनील जी ने यह भी बताया कि मैंने दिखाया पुलिस वालों को कि इस शख्स ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। क्या ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और उनकी कंप्लेंट ले ली गई है, उसके ऊपर देखा जाएगा, कंप्लेंट जो है उसके ऊपर काम तो करा जाएगा ना। बिना कंप्लेंट के ऊपर काम किए बिना तो नहीं आप कर सकते ना। चलिए सुनील जी, इस वक्त रमन मलिक साहब जुड़े हुए हैं, सीधे मुख्यमंत्री से बात करते हैं, स्थानीय नेता भी हैं, आपके मामले पर नजर बना के रख रहे हैं, ये बात भी ये दोहरा रहे हैं। क्या कहेंगी, क्या वाकई आप संतुष्ट हैं गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई से, और सरकार से क्या चाहती हैं? चलिए रमन मलिक साहब, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है यहां पर सुनील डबास जी ने कि एक बेटी हरियाणा की कह रही है कि उसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जान से मारने की कोशिश करने का आरोप कोई मामूली आरोप नहीं होता है। कि मेरी सुबह भी इस विषय में कोई 12-1 बजे जो SO1 है पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, उनके साथ बैठ के बकायदा बात हुई है। जो इंचार्ज थाना इंचार्ज है राजीव जी, उनके साथ बात हुई है, और मैंने उन्हें बिल्कुल ये बहुत क्लियरली रिक्वेस्ट करी है कि इस पूरे प्रकरण को बहुत संजीदगी से लिया जाए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ये सिद्ध होता हो उनकी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में कि उन्होंने इस तरीके का कुकर्म करने की कोशिश करी है, उसके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगा के FIR दर्ज करी जाए। बिल्कुल मलिक साहब, MH1 न्यूज के माध्यम से इस वक्त आपको पूरा हरियाणा सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है, क्या आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि आपके क्षेत्र की रहने वाली हैं, हरियाणा की बेटी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कोई अन्याय इनके साथ नहीं होगा, और जिन्होंने इन पर इस तरह का हमला किया, जिन्होंने स्वच्छता अभियान के आड़े में आने की कोशिश की, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, इस बात का आश्वासन आप देंगे? दो चीजें मैं बहुत स्पष्ट यहाँ बोल रहा हूँ कि एक, पुलिस महकमे को मैंने खुद बात करके ये आग्रह करा है कि वह इस पूरे के पूरे प्रकरण के ऊपर मुस्तैदी से आंख बनाए रखे और जो भी जरूरत हो उस कार्रवाई को करें। दूसरी चीज, इस केस के अंदर कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो एक नेशनल बॉडी उससे ऊपर हरियाणा की बेटी है, उसके ऊपर इस प्रकार का कुछ करता है गलत, तो उसको बख्शा ना जाए। लेकिन बहुत शुक्रिया रमन मलिक साहब, हम उम्मीद करते हैं जो वादा आपने MH1 न्यूज पर किया है वो साकार भी होगा, और हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस उन लोगों को जरूर पकड़ेगी जिन्होंने एक इतनी बड़ी खिलाड़ी पर हमला किया है, स्वच्छता अभियान के समर्थन में जो खड़ी हुई थी उस पर हमला किया है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में MH1 न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।